हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की डेट है 31 जनवरी और आज के दिन 1923 में मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था। हम आपको बता दें कि मेजर सोमनाथ शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था और वो शहीद हो गए थे। उसके बाद मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा के पिताजी अमरनाथ जी शर्मा भी भारतीय फौज में थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की मृत्यु से कुछ समय पहले ही मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। मेजर सोमनाथ शर्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ज्ञान से काफ़ी प्रभावित थे जिनके किस्से उन्होंने अपने दादाजी से सुने थे। मेजर सोमनाथ शर्मा हर वक्त अपनी जेब में श्रीमद् भगवद गीता रखते थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव की पहचान भी उनकी जेब में पड़े श्रीमद् भगवद गीता से हुई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता को याद करें तो पीयूष मिश्रा की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ ध्यान में आती है कि कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड हो जो लड़ सका है वही तो महान है। ऐसे वीर मेजर शर्मा को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट। जय हिंद।